आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर नेटवर्क, जो कि हमारा चैप्टर वन, इसका पार्ट फाइव वीडियो हम पढ़ेंगे। पार्ट फाइव वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे कंप्यूटर नेटवर्क का टाइप्स एंड नेटवर्क टॉपोलॉजी। ये दो कंटेंट, दो टॉपिक के बारे में हम ये वीडियो में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट हम देखेंगे व्हाट इज नेटवर्क टॉपोलॉजी। नेटवर्क टॉपोलॉजी मीन इट इज़ द फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट कंप्यूटर्स और नोड्स एंड अदर रिसोर्सेस इन ए नेटवर्क, इज कॉल्ड द नेटवर्क टॉपोलॉजी। एक नेटवर्क के अंदर जो हम एक छोटा सा नेटवर्क बनाएंगे डिफरेंट कंप्यूटर्स एंड डिफरेंट रिसोर्सेस को लेकर इंटर केबल वायर के थ्रू इंटरकनेक्ट करके जो एक नेटवर्क हम बनाएंगे उसको हम डिफरेंट वे में, डिफरेंट टाइप्स में उसको हम अरेंजमेंट कर पाएंगे। वो डिफरेंट टाइप ऑफ अरेंजमेंट को हम टॉपोलॉजी बोलते हैं। ओके, नेटवर्क टॉपोलॉजी। तो उसको हम सिक्स डिफरेंट वे में अरेंज कर पाएंगे। ओके, तो इट कैन बी डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज। तो सिक्स डिफरेंट कैटेगरी में, मतलब सिक्स डिफरेंट वे में उसको अरेंज कर पाएंगे। ओके, उसी हिसाब से इसको सिक्स कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो फर्स्ट वन इज योर पॉइंट टू पॉइंट टॉपोलॉजी, सेकेंड वन इज बॉस टॉपोलॉजी, थर्ड वन इज रिंग टॉपोलॉजी, देन फोर्थ वन इज स्टार टॉपोलॉजी, देन फिफ्थ वन इज मेश टॉपोलॉजी, देन ट्री टॉपोलॉजी, एंड अनदर वन इज योर हाइब्रिड टॉपोलॉजी। ओके, द लास्ट वन इज हाइब्रिड टॉपोलॉजी। तो फर्स्ट हम देखेंगे व्हाट इज पॉइंट टू पॉइंट टॉपोलॉजी। सो द पॉइंट टू पॉइंट टॉपोलॉजी, इट इज अ सिंपलेस्ट टाइप ऑफ टॉपोलॉजी दैट कनेक्ट टू नोड्स डायरेक्टली विद अ कॉमन लिंक। यहाँ पे दो कंप्यूटर को या दो कोई भी डिवाइसेस को हम कनेक्ट कर पाएंगे। ओके, वो दो डिवाइसेस में डिवाइसेस डायरेक्टली एक ही केबल वायर के अंदर वो दोनों कनेक्ट हो पाएंगे। ओके, एक कंप्यूटर डायरेक्टली दूसरे कंप्यूटर को इन्फॉर्मेशन शेयर करेगा, दूसरे कंप्यूटर पहला कंप्यूटर को इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली शेयर करेगा। ये दोनों ही सेंडर एंड रिसीवर का काम करेंगे। ओके, पॉइंट टू पॉइंट, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को कनेक्शन हुआ है, तो ये अरेंजमेंट को हम पॉइंट टू पॉइंट टॉपोलॉजी बोलेंगे। इसमें दो ही कंप्यूटर या दो ही डिवाइसेस, दो ही सेंडर एंड रिसीवर का जरूरत होता है। ओके, द नेक्स्ट वन इज अवर बॉस टॉपोलॉजी। बॉस टॉपोलॉजी क्या है? ए बॉस टॉपोलॉजी इज ए टॉपोलॉजी इन विच ऑल द नोड्स आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू ए सिंगल केबल, एंड दिस सिंगल केबल इज कॉल्ड द बॉस। ओके, दैट मीन्स यहाँ पे क्या होता है, जितने सारे कंप्यूटर होते हैं नेटवर्क का, वो सभी कंप्यूटर एक ही केबल वायर में कनेक्ट होते हैं, एक ही कॉमन केबल वायर वो सभी कंप्यूटर शेयर करते हैं। सभी कंप्यूटर को जो भी इंफॉर्मेशन शेयर करना है, एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर को जो इन्फॉर्मेशन शेयर करना है, वो यही कॉमन केबल को यूज़ करके शेयर करेंगे। ओके, तो सबके लिए यही कॉमन केबल होता है, तो ये कॉमन केबल के थ्रू सभी कंप्यूटर को कनेक्ट किया जाता है। तो ये नेटवर्क को हम बोलते हैं बॉस टॉपोलॉजी। ओके, देन स्टार टॉपोलॉजी। स्टार टॉपोलॉजी इज ए टॉपोलॉजी इन विच ऑल द नोड्स आर इंडिविजुअली कनेक्टेड टू ए सेंट्रल कनेक्टिंग पॉइंट, एंड दिस सेंट्रल कनेक्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड द हब और द स्विच। यहाँ पे क्या होता है, नेटवर्क का जितने सारे कंप्यूटर होते हैं वो सारे कंप्यूटर डायरेक्टली एक सेंट्रल डिवाइस के साथ कनेक्ट होते हैं। ये एक सेंट्रल डिवाइस के साथ वो कनेक्ट होते हैं, ये सेंट्रल डिवाइस को हम हब या स्विच बोलते हैं। हब या स्विच के बारे में हमने डिटेल में पहले से पढ़ चुके हैं। ओके, हब इज ए डिवाइस दैट कनेक्ट ऑल द कंप्यूटर्स टू ए सिंगल नेटवर्क। ओके, तो सभी कंप्यूटर को एक नेटवर्क में कनेक्ट करता है। तो यहाँ पे क्या होता है, सपोज एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के साथ अगर कुछ मैसेज भेजना चाहता है तो वो क्या करेगा, वो पहले वो मैसेज को हॉप के पास भेजेगा, देन हॉप क्या करेगा, वो मैसेज को चेक करेगा, चेक करके वो डेस्टिनेशन के पास वो मैसेज को पहुंचाएगा। ओके, तो ऐसा होता है कनेक्शन स्टार नेटवर्क में। कोई भी कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के साथ डायरेक्टली कनेक्ट नहीं कर सकते, वो जो भी कनेक्शन करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, वो हॉप के थ्रू ही कम्युनिकेट कर पाएंगे। ओके, सो दिस इज द स्टार टॉपोलॉजी। देन नेक्स्ट इज अवर रिंग टॉपोलॉजी। सो ए रिंग टॉपोलॉजी इज अ टॉपोलॉजी इन विच ऑल द नोड्स आर कनेक्टेड इन ए सर्कुलर मैनर, वेयर एवरी नोड इज कनेक्टेड टू इट्स टू एडजेसेंट नेबर नोड्स।
ओके। तो यहाँ पे क्या होता है, ये नेटवर्क में जो सारे कंप्यूटर्स को एक रिंग मैनर में, अरेंज सर्कुलर मैनर में, एक रिंग वे में इसको अरेंज किया जाता है। इसके लिए इसको रिंग टोपोलॉजी बोला जाता है। यहाँ पे क्या होता है, एक कंप्यूटर उसका नेक्स्ट जो एडजेसेंट कंप्यूटर होते हैं, ओके, नेबर कंप्यूटर होते हैं, वो नेबर कंप्यूटर के साथ वो डायरेक्टली कनेक्ट होता है, और ये कंप्यूटर ये उसकी दो नेबर के साथ कनेक्ट होता है, ये कंप्यूटर इसकी दो नेबर के साथ कनेक्ट होता है, ये कंप्यूटर इसका नेबर कौन है, ये एक नेबर, ये एक नेबर, तो दो एडजेसेंट नेबर के साथ वो कनेक्ट होते हैं। ऐसे कनेक्शन होकर वो एक सर्कुलर मैनर बनाते हैं, ओके। तो ये है हमारा रिंग टोपोलॉजी। तो ये रिंग वे में अरेंजमेंट करते हैं। सपोज एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर को मैसेज भेजना चाहते हैं, ये कंप्यूटर अगर ये कंप्यूटर के पास मैसेज भेजना चाहते हैं तो क्या करेगा, ये मैसेज ये डायरेक्शन में भेज सकते हैं, ओके, ये डायरेक्शन में भेजेगा, फिर पहले वो मैसेज ये रिंग पैथ में सेकेंड कंप्यूटर के पास भेजेगा। यहाँ पे वो मैसेज को चेक किया जाएगा, वो मैसेज किसके लिए है, अगर वो मैसेज इसके लिए है तो यहाँ पे वो मैसेज रह जाएगा, अगर नहीं है तो वो आगे जाएगा, ओके। सो फिर से क्या करेगा, वो मैसेज को नेक्स्ट कंप्यूटर को वो भेज देगा। ये कंप्यूटर के पास मैसेज आ गया, यहाँ पे मैसेज को वो चेक करेगा, अगर वो मैसेज इसके लिए है तो वो यहाँ पे वो मैसेज रह जाएगा, नहीं तो वो उसको आगे फॉरवर्ड कर देगा। तो ऐसे सर्कुलर मैनर में एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में मैसेज मूव करके जाता है, ओके। द नेक्स्ट हम देखेंगे मैश टोपोलॉजी। सो मैश टोपोलॉजी इज ए टोपोलॉजी इन विच ईच नोड इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू एवरी नोड ऑफ द नेटवर्क, ओके। देखो यहाँ पे एक कंप्यूटर सभी कंप्यूटर के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है, कोई भी कंप्यूटर किसी भी कंप्यूटर के थ्रू दूसरे कंप्यूटर के साथ कनेक्शन नहीं हुआ है। देखो यहाँ पे नोड ए मतलब कंप्यूटर ए बी के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है, कंप्यूटर ए सी के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है, कंप्यूटर ए डी के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है, कंप्यूटर ए ई के साथ भी कनेक्टेड है। तो सभी कंप्यूटर अपनी नेटवर्क में जितने सारे कंप्यूटर हैं सभी कंप्यूटर के साथ वो डायरेक्टली कनेक्टेड है, कोई भी कंप्यूटर किसी भी दूसरे कंप्यूटर के ऊपर डिपेंड नहीं करता है तीसरे के साथ कनेक्शन होने के लिए। दैट मीन्स यहाँ पे क्या होता है, कम्युनिकेशन हमेशा फास्ट रहता है। जैसे कि हमने रिंग टोपोलॉजी में पढ़ा था, एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के थ्रू ही वो जाएगा, तो इसमें क्या प्रॉब्लम होता है, एक दूसरे कंप्यूटर के थ्रू जाएगा तो डाटा ट्रांसमिशन डेफिनेटली स्लो होगा क्योंकि वो बीच में रह रहकर जाएगा, ओके। स्टार टोपोलॉजी में क्या होता था, एक हॉप के थ्रू मैसेज आता था, तो पहले मैसेज हॉप के पास जाएगा, देन हॉप के पास थोड़ा रुकेगा, देन जाएगा, तो उसमें भी टाइम वेस्ट होता था। बॉस टोपोलॉजी में क्या होता था, सभी एक कॉमन बॉस, एक कॉमन केबल सभी यूज करते थे मैसेज शेयरिंग करने के लिए, तो वो चाहे सिंगल चैनल जो यूज होता है इसके लिए वो सिंगल चैनल हमेशा बिजी रहता है, ओके, क्योंकि एक चैनल में हमेशा सभी डाटा सेंड करते हैं। और यहाँ पे वो प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे वो सारे प्रॉब्लम रिकवर हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, जो कंप्यूटर जो भी दूसरे कंप्यूटर को मैसेज भेजना चाहता है वो उसका जो डायरेक्टली कनेक्टेड वायर है वो डायरेक्टली कनेक्टेड वायर के थ्रू ही मैसेज भेजेगा, तो बीच में रुकने की कोई भी चांस नहीं है, मैसेज डायरेक्टली रिसीवर के पास पहुंच जाएगा, ओके। और यहाँ पे बस एक ही प्रॉब्लम है, क्या है कि जो मैसेज बहुत सारे केबल्स का यूज़ करना पड़ता है, जितना कंप्यूटर है उतना ज़्यादा नंबर्स ऑफ केबल वायर यूज़ करना पड़ेगा, वो कि ज़्यादा कॉस्टली होगा, ओके। पर स्पीड के हिसाब से हम देखेंगे तो ये बहुत फास्ट है। तो ये हो गया मैश टोपोलॉजी। नेक्स्ट वन इज आवर ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी मतलब ये एक पेड़ जैसा, ट्री जैसा ये बनाया होगा, ओके। सो ट्री टोपोलॉजी इज द टोपोलॉजी इन विच ऑल द नोड्स आर कनेक्टेड विथ ईच अदर इन ए हायरार्किकल फैशन और हायरार्किकल मैनर, एंड द टॉप मोस्ट कंप्यूटर और द टॉप मोस्ट नोड इज नोन एज द रूट एंड ऑल अदर नोड्स आर द डिसेंडेंट ऑफ द रूट नोड। देखो तो यहाँ पे हुआ हमारा यही मेन कंप्यूटर, ओके, इसको हमने सर्वर लिया है, ये एक प्रोसेसर है, यहाँ पे सारे डाटा को स्टोर किया जाता है, तो ये सर्वर है। तो ये जो सर्वर ऊपर है इसको बोलते हैं हम रूट ऑफ द नोड, इसको हम रूट बोलेंगे। देन ये रूट के अंदर देखो यहाँ पे इसका दो ब्रांचेस आया है, देन इसका भी दो ब्रांचेस, देन इसका अलग से दो ब्रांचेस, इसका एक ही ब्रांचेस। देन सेकेंड पार्ट में देखेंगे इसका दो अलग अलग ब्रांचेस आया है, इसका कोई भी ब्रांचेस नहीं है, इसका एक ब्रांच है,
ओके। तो इसी तरह ये नेटवर्क ट्री जैसा बनता है। तो ये जो मेन होता है जहाँ से सारे ब्रांचेस निकलते हैं उसको रूट बोला जाता है। देन ये सभी जो अलग अलग कंप्यूटर है, मतलब अलग अलग ब्रांचेस है, वो ये जो मेन सर्वर का या रूट का डिसेंडेंट है। ओके, तो ये दोनों जो फर्स्ट लेवल में, ये दोनों इसका डिसेंडेंट, ये दोनों इसका डिसेंडेंट, ये दोनों इसका डिसेंडेंट। ओके, दैट मीन्स अगर बाहर कहीं से भी कुछ मैसेज आया, अगर ये कंप्यूटर के पास कुछ मैसेज आया, ओके, ये जो पार्ट एट है ये कंप्यूटर के पास, मतलब बाहर से कुछ मैसेज आया P8, ओके, तो पहले वो मैसेज कहाँ पे आएगा? सर्वर में आएगा, दैट मीन्स रूट कंप्यूटर में आएगा। देन कहाँ पे जाना है? P8 तक जाना है। तो वो मैसेज यहाँ से आएगा, इसके पास आएगा, फिर 0 के पास, देन 3 के पास, देन 8 के पास। ओके, तो इसी तरह डिफरेंट डिफरेंट लेवल से क्रॉस करके वो फाइनल डेस्टिनेशन और टर्मिनल कंप्यूटर के पास पहुँचेगा। ओके, और यहाँ से भी अगर कुछ मैसेज भेजना है तो वो मैसेज वही मैनर में जाएगा, पहले 3 के पास जाएगा, देन 0 के पास, देन सर्वर के पास, देन आउटसाइड द नेटवर्क, नेटवर्क के बाहर वो जाएगा। ओके, तो ये है ट्री टोपोलॉजी। द नेक्स्ट वन इज योर हाइब्रिड टोपोलॉजी। हाइब्रिड टोपोलॉजी मीन्स इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी और टू और मोर टाइप्स ऑफ नेटवर्क। ओके, जैसे कि देखो यहाँ पे हमने क्या किया है, 3 टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी यूज किया है। यह हमारा बॉस टोपोलॉजी, यह हमारा रिंग टोपोलॉजी, यह हमारा स्टार टोपोलॉजी। तो 3 टोपोलॉजी को हम एक साथ में इंटरकनेक्ट कर दिया। देखो ये वायर में ये बॉस और स्टार के साथ कनेक्शन हुआ है, ये वायर में ये स्टार एंड रिंग के साथ कनेक्शन हुआ है। तो तीनों नेटवर्क अभी कनेक्ट होकर एक सिंगल नेटवर्क हो गया, इसको हम बोलते हैं हाइब्रिड नेटवर्क। ओके, तो आपके सपोज बिल्डिंग के अंदर आप 3 अलग अलग रूम है, 3 रूम में आपने 3 अलग अलग टाइप का नेटवर्क बनाया, मतलब कंप्यूटर को जो लेकर जो नेटवर्क बनाए आपने 3 अलग अलग वे में उसका अरेंजमेंट किया है। फर्स्ट रूम में आपका जितना कंप्यूटर है आपने उसको बॉस टोपोलॉजी में अरेंजमेंट किया है, सेकेंड रूम में आपके जितने सारे कंप्यूटर है उसको आपने स्टार टोपोलॉजी में अरेंजमेंट किया है, थर्ड रूम में आपके जो जितने कंप्यूटर है आप उसको रिंग टोपोलॉजी और रिंग वे में आपने उसको अरेंजमेंट किया है। तो सभी 3 रूम का कंप्यूटर को आप एक सिंगल कॉमन वायर में कनेक्ट कर रहे हैं अभी। ओके, दैट मीन्स ये तीनों अलग अलग टोपोलॉजी मिलके एक सिंगल टोपोलॉजी और सिंगल नेटवर्क हो गया, जिसको हम बोलते हैं हाइब्रिड टोपोलॉजी। ओके, तो ये हो गया हमारा टोपोलॉजी कंप्लीट। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ नेटवर्क। ओके, सो ऑन द बेसिस ऑफ द जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ द नेटवर्क एंड द नंबर ऑफ कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू द नेटवर्क, द कंप्यूटर नेटवर्क इज डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज। ओके, सो ऑन द बेसिस ऑफ द जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ द नेटवर्क, जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब आपका जो नेटवर्क है वो कितना एरिया तक वो फैला है, कितना एरिया तक वो नेटवर्क स्प्रेड हुआ है। ओके, एंड द नंबर ऑफ कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू द नेटवर्क, और आपने जो नेटवर्क बनाया है वो नेटवर्क के अंदर कितना कंप्यूटर है, 2 है या 4 है या 20 है या 50 है या 100 है, कितना नंबर्स ऑफ कंप्यूटर आप अपने नेटवर्क में यूज किए हैं और आपका नेटवर्क कितना एरिया में फैला है, उस हिसाब से आपका कंप्यूटर नेटवर्क को डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जो कि 4 कैटेगरी में। फर्स्ट जो है वो पैन, दैट मीन्स पर्सनल एरिया नेटवर्क, सेकेंड इज योर लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, थर्ड इज योर मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, एंड फोर्थ वन इज योर वन, वाइड एरिया नेटवर्क। ओके, तो इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज पर्सनल एरिया नेटवर्क। ओके, पर्सनल एरिया नेटवर्क, इट इज ए नेटवर्क दैट कनेक्ट एनी टू इंडिविजुअल, कोई भी 2 इंडिविजुअल के बीच में, मतलब 2 इंडिविजुअल डिवाइसेस हो या 2 इंडिविजुअल पर्सन के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है वो कम्युनिकेशन हम पर्सनल एरिया नेटवर्क में नेटवर्क बोलते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा था पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी, वो पर्सनल एरिया नेटवर्क में आता है। इट्स कम्युनिकेशन इज वेरी फास्ट। ओके, एज ये 2 पर्सन के बीच में या 2 डिवाइसेस के बीच में होता है,
तो इसमें कम्युनिकेशन बहुत फास्ट होता है, जैसे कि हमने मैश टोपोलॉजी में पढ़ा था, एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के साथ डायरेक्टली कनेक्ट होता है। उसी तरह पर्सनल एरिया नेटवर्क में क्या होता है, दो पर्सन के बीच में या दो इंडिविजुअल के बीच में कम्युनिकेट होता है, तो ये डेफिनेटली बहुत फास्ट होगा क्योंकि बीच में कोई भी डिले नहीं है, कोई भी अदर डिवाइसेस नहीं है जिसके थ्रू वो मैसेज को भेजा जाएगा। ओके, देन इट इज यूज्ड विद ए रूम और बिल्डिंग, एक बिल्डिंग जो दो डिवाइसेस के बीच में कम्युनिकेशन होगा पर्सनल एरिया नेटवर्क में, वो दो डिवाइसेस या दो पर्सन एक रूम के अंदर या एक बिल्डिंग के अंदर होना चाहिए। मोस्टली वो दोनों के बीच में डिस्टेंस 10 मीटर होना चाहिए, टिपिकली रेंजेस अप टू 10 मीटर, तो दोनों के बीच में 10 मीटर डिस्टेंस होना चाहिए। तो 10 मीटर डेफिनेटली हमारे एक रूम के अंदर हो जाता है या फिर एक बिल्डिंग में, एक रूम से दूसरे रूम के बीच में होता है। जैसे कि हमारा ब्लूटूथ कनेक्शंस होता है, मोबाइल में हम ब्लूटूथ यूज़ करते हैं। ब्लूटूथ में क्या करते हैं, हम एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में कुछ फोटोज वीडियोस या इमेजेस सेंड करते हैं। ओके, या लैपटॉप से मोबाइल में या मोबाइल से लैपटॉप में कुछ इन्फॉर्मेशन जो शेयरिंग करते हैं मोबाइल टू मोबाइल। ओके, वो जो इन्फॉर्मेशन हम ब्लूटूथ के थ्रू शेयर करते हैं, जैसे कि अभी हमारा आ रहा है सेरिट जेंडर, वो सब जो एंड्रॉयड ऐप्स है जिसके थ्रू हम इन्फॉर्मेशन एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में शेयर करते हैं, तो वो जो दो मोबाइल्स में जो कम्युनिकेशन होता है, जो शेयरिंग प्रोसेस होता है, वो एक पर्सनल एरिया नेटवर्क। ओके, तो वो पर्सनल एरिया नेटवर्क मतलब वो जो दो डिवाइसेस होना चाहिए वो 10 मीटर डिस्टेंस में होना चाहिए। अगर एक मोबाइल दूसरे मोबाइल में डिस्टेंस 20 या 50 मीटर हो जाएगा तो वो दोनों में शेयरिंग नहीं हो पाएगा, मतलब वो दोनों का ब्लूटूथ कनेक्शन ब्रेक हो जाएगा। ओके, आप जैसे कि स्मार्टफोन में ब्लूटूथ यूज़ करते हैं, जैसे कि ब्लूटूथ हेडफोन आप लोग यूज़ करते हैं, स्मार्टफोन को आपका हैंड वॉच के साथ आप कनेक्ट करते हैं। ओके, तो वो हमारा होता है ब्लूटूथ कनेक्शन। ओके, ये भी एक पर्सनल नेटवर्क। इसमें देखो हमने एक लैपटॉप से दूसरे लैपटॉप को कनेक्ट किया है, लैपटॉप से लैपटॉप, लैपटॉप से मोबाइल, लैपटॉप से माउस, लैपटॉप से स्मार्ट हेडफोन, ओके, लैपटॉप से प्रिंटर, इसमें जो भी डिवाइसेस के साथ आप कनेक्ट किए हैं वो सभी कनेक्शन आप ब्लूटूथ में भी कर सकते हैं। ओके, वायरलेस कनेक्शन जिसको हम बोलते हैं। और आप रिमोट टीवी के साथ कनेक्ट करते हैं, रिमोट के थ्रू सिग्नल आप टीवी को भेजते हैं, टीवी का जो चैनल चेंज करने के लिए, तो ये भी आप क्या करते हैं, ये जो कनेक्शंस कम्युनिकेशंस होता है ये सब आपका पर्सनल एरिया नेटवर्क के अंदर आता है। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे लोकल एरिया नेटवर्क। इट इज़ ए नेटवर्क दैट कनेक्ट ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स विद इन ए बिल्डिंग्स। ओके, एक बिल्डिंग के अंदर जितने सारे आपका कंप्यूटर्स है या कनेक्टिंग डिवाइसेस है उसको जो एक सिंगल नेटवर्क में आप कनेक्ट करेंगे, कोई भी टॉपोलॉजी कोई भी टाइप के अरेंजमेंट यूज़ करके उसको आप जो कनेक्ट करेंगे उसको हम लोकल एरिया नेटवर्क बोल सकते हैं। आपका एक बिल्डिंग के अंदर हो सकता है, एक रूम के अंदर हो सकता है, या फिर एक कैंपस के अंदर भी हो सकता है। ओके, देखो ये जो रूम में डिफरेंट जो अलग अलग बिल्डिंग में डिफरेंट डिफरेंट रूम में कंप्यूटर है वो सभी कंप्यूटर को इंटरकनेक्ट किया गया है। ओके, ये देखो बड़ा सा एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग के अंदर जितने सारे कंप्यूटर्स होगा 100-200 जितने कंप्यूटर होगा वो सभी कंप्यूटर को कनेक्ट करके जो एक सिंगल नेटवर्क बनाया जाता है उसको हम लैन बोलते हैं। तो एक छोटा सा बिल्डिंग के अंदर या कैंपस के अंदर होता है। ओके, सो इट रेंजेस अप टू 1 किलोमीटर ऑफ डिस्टेंस। दैट मीन्स आप ये जो कैंपस के अंदर करना चाहते हैं वो कैंपस का डिस्टेंस आपका मैक्सिमम 1 किलोमीटर रेंज में होना चाहिए। 1 किलोमीटर रेंज के अंदर लोकल एरिया नेटवर्क को बनाया जाता है। अगर उससे बड़ा नेट एरिया में हम बनाएंगे तो डाटा ट्रांसमिशन स्पीड जो इसका स्लो होता जाएगा। ओके, तो डेफिनेटली मोस्टली ये मैक्सिमम 1 किलोमीटर डिस्टेंस के अंदर ही एक लैन हो जाता है। अगर ये रूम में बनाएंगे या बिल्डिंग में बनाएंगे वो तो 10 या 50 मीटर के अंदर भी हो जाएगा। इट्स कम्युनिकेशन इज वेरी फास्ट विच रेंजेस फ्रॉम 10 Mbps टू 1 Gbps। ओके, 10 Mbps टू 1 Gbps। इतना स्पीड में इसका डाटा ट्रांसमिशन हो सकता है। दैट मीन जो कि ये सबसे फास्टेस्ट कम्युनिकेशन है। ओके, एंड इट इज यूज इन द स्कूल कॉलेजेस ऑफिस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस यूनिवर्सिटीज एटसेट्रा। ओके, तो जो स्कूल में
डिफरेंट लैबोरेटरीज होता है कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में लैबोरेटरीज होता है, कंप्यूटर लैब्स। वो लैब में छोटे छोटे स्कूल होगा तो 10 या 15 कंप्यूटर्स होता है, बड़े बड़े हो कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज होगा जिसमें 100, 200, 500 कंप्यूटर्स होते हैं, तो वो सभी कंप्यूटर को कनेक्ट करके जो नेटवर्क बनाए जाते हैं वो लैन है। ऑफिसेस में आपके कंप्यूटर्स होता है, बैंक में कंप्यूटर होता है, तो वो सब कंप्यूटर को जो नेटवर्क करते हैं वो लोकल एरिया नेटवर्क होता है। ओके, द नेक्स्ट हम देखेंगे मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड टू ए रिलेटिवली लार्ज एरिया सच एज इन ए सिटी। जो सिटी होता है मैक्सिमम में, जो मेट्रो सिटी का एरिया आपका क्या होता है, मैक्सिमम 40 किलोमीटर रेंजेस होता है इसका, 50 किलोमीटर सर्किल होता है। तो वो जो एरिया में जितने सारे कंप्यूटर्स है वो सब कंप्यूटर को लेकर जो नेटवर्क बनाया जाएगा उसको हम बोलते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ओके, इट रेंजेस अप टू 50 किलोमीटर ऑफ डिस्टेंस, 40 या 50 किलोमीटर डिस्टेंस के अंदर मेट्रोपॉलिटन एरिया हम बना पाएंगे। ओके, देखो तो ये जो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है यहाँ पे क्या है, जितने सारे होम्स, जितने सारे बिल्डिंग्स होगा वो सबको कनेक्ट करके एक नेटवर्क बनाया जाता है और सभी घर में सभी रूम को वो इंटरनेट फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाता है। देखो यहाँ पे जो प्रोवाइडर से, वो प्रोवाइडर क्या करता है, सभी घर में सर्विस वो प्रोवाइड करता है थ्रू द केबल वायर और थ्रू द एयर वो सर्विस प्रोवाइड करता है। ओके, इसका एक नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, दिस नेटवर्क डिलीवर फास्टेस्ट एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन बाय यूजिंग हाई स्पीड कैरियर्स लाइक ऑप्टिकल फाइबर्स। तो जो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क में जितने सारे कंप्यूटर्स होते हैं सिटी का, सभी कंप्यूटर्स को वो ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू या माइक्रोवेव सिग्नल के थ्रू वो कम्युनिकेट करता है। ओके, वो इन्फॉर्मेशन सभी के साथ शेयर करता है, जो सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, जो कि सर्विस होल सिटी में जितने सारे कंप्यूटर्स होते हैं वो सभी कंप्यूटर को वो सर्विस प्रोवाइड करता है। द बेस्ट नोन एग्जाम्पल्स ऑफ द मेन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क इज अ केबल टेलीविजन नेटवर्क अवेलेबल इन द होल सिटी। अच्छा, तो आप लोग की जो सिटी में या गांव में क्या होता है, केबल सर्विस प्रोवाइड किया जाता है, मतलब एक आदमी क्या करता है, वो सैटेलाइट से टीवी चैनल का सारे सिग्नल को वो एक्सेस करता है अपने घर में, उसका एक घर के ऊपर बड़ा सा एंटीना होता है, वो सैटेलाइट से सभी टीवी चैनल्स का प्रोग्राम को वो एक्सेस करता है। एक्सेस करने के बाद वो केबल वायर के थ्रू सभी स्ट्रीट में, केबल वायर के थ्रू हर घर को वो सैटेलाइट का सिग्नल पहुंचाता है थ्रू द केबल वायर, कोएक्सियल केबल। ओके, दैट मीन्स वो क्या करता है, वो सर्विस प्रोवाइडर जो कि हमको सैटेलाइट टेलीविजन प्रोवाइड करता है, वो सभी घर को एक कॉमन केबल वायर के थ्रू इंटरकनेक्ट करता है और वो वायर के थ्रू वो क्या करता है, सभी घर को जितने भी चैनल्स वो एक्सेस करता है वो सभी चैनल्स का प्रोग्राम सभी घर को वो प्रोवाइड करता है। ओके, तो वो भी एक बड़ा सा नेटवर्क बनाता है होल सिटी में या होल गांव में, जितना भी एरिया है उतना एरिया में वो भी एक छोटा सा नेटवर्क बनाता है, वो नेटवर्क में टीवी का चैनल सैटेलाइट प्रोग्राम्स वो शेयर करता है। तो वो भी एक मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का एग्जाम्पल होता है, वो हमारे गांव में भी होता है। ओके, तो ये हो गया मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट हम देखेंगे वाइड एरिया नेटवर्क। इट स्प्रेड थ्रू आउट द वर्ल्ड। वाइड एरिया नेटवर्क, ये इसका जो ज्योग्राफिकल एरिया है ये थ्रू आउट द वर्ल्ड, वर्ल्ड में जितने सारे कंट्रीज, जितने सारे कॉन्टिनेंट होते हैं सभी कंट्री या कॉन्टिनेंट को एक बड़ा सा नेटवर्क बनाने के लिए ये वाइड एरिया नेटवर्क यूज होता है। जो बड़ा सा नेटवर्क होता है उसको वाइड एरिया नेटवर्क बोला जाता है। देखो ये वर्ल्ड में डिफरेंट कंट्री या कॉन्टिनेंट में जो भी कंप्यूटर्स होता है वो सभी कंप्यूटर को कनेक्ट करके एक जो बड़ा सा नेटवर्क बनाया जाता है थ्रू आउट द वर्ल्ड, इसको हम इंटरनेट बोलते हैं। देखो यहाँ पे सभी कंट्री या कॉन्टिनेंट, ये सभी कंप्यूटर्स
थ्रू आउट द वर्ल्ड, वो सैटेलाइट के थ्रू कम्युनिकेट हो सकते हैं, या फिर ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू, या फिर माइक्रोवेव स्टेशन के थ्रू भी वो कम्युनिकेट हो सकते हैं। डिफरेंट मीडियम यूज करके वो कम्युनिकेट होते हैं एक कंट्री से दूसरे कंट्री में। सिग्नल कैसे जाएगा? ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू जा सकता है, सैटेलाइट के थ्रू वो सिग्नल एक्सेस कर सकते हैं। तो ये जो वर्ल्ड में डिफरेंट एरिया है, सभी एरिया, सभी कंट्री कॉन्टिनेंट के जो कनेक्शन होता है, उसका जो कनेक्शन होकर एक जो बड़ा सा नेटवर्क बनता है, उसको हम बोलते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। इट यूजेस फॉर द कॉमन कैरियर्स लाइक सैटेलाइट सिस्टम्स एंड द ऑप्टिकल फाइबर्स। ये सैटेलाइट सिस्टम, ऑप्टिकल फाइबर या माइक्रोवेव स्टेशंस यूज करके एक दूसरे के साथ वो कनेक्ट करते हैं, कनेक्ट होते हैं। द इंटरनेट इज द लार्जेस्ट वन स्पनिंग द अर्थ। तो ये अर्थ में जितने सारे कंट्री और कॉन्टिनेंट हैं, अभी हम किसके थ्रू कम्युनिकेट कनेक्ट कर रहे हो रहे हैं? अभी हम इंटरनेट के थ्रू वर्ल्ड में जो भी कंट्री या जो भी कॉन्टिनेंट में जो भी आदमी रहता है, उसको हम इंटरनेट के थ्रू ही कम्युनिकेट कर पाते हैं। जैसे कि हम व्हाट्सएप, फेसबुक, ईमेल्स, जिसके भी जरिए हम एक आदमी से दूसरे आदमी के साथ कम्युनिकेट करते हैं, वो सभी थ्रू द इंटरनेट ही होता है। तो इंटरनेट इज ए लार्जेस्ट नेटवर्क, ओके, मतलब वन को वाइड एरिया नेटवर्क, हम अल्टरनेटिवली इंटरनेट भी बोल सकते हैं, ओके। तो ये हो गया हमारा टाइप्स ऑफ नेटवर्क।